स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, निजी काम से दिल्ली वे गए हुए हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है। उनका कहना है कि कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, एक निजी काम से वे दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली रवाना होते ही एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। और जबकि टीएस सिंहदेव ने ये बात कही है कि वे एक निजी काम से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, सहकारिता सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे। बता दें पाटन विकासखंड के सेलूद गांव में ये कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचकर सीएम स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग और बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लॉ एंड ऑर्डर की बैठक लेने जा रहे हैं। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। आपको बता दें आज कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिस पर सीएम बातचीत करेंगे, जैसे प्रदेश में माफिया के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए, महिला अपराध और कानून व्यवस्था की आज समीक्षा करेंगे। साथ ही जिलों में पीएसए और ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की स्थिति का भी जायजा वे लेंगे। साथ ही कोविड कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए और क्या कुछ रणनीति आगे बनाई जाए, इस पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं आज शाम 6 बजे शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी, प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट सीएम लेंगे। बता दें सुराज अभियान को लेकर आज मंत्रियों से सीएम चर्चा करेंगे और सुराज अभियान को लेकर आज मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तो आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और इस कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले सीएम फीडबैक लेंगे, प्रभारी मंत्रियों से रिपोर्ट लेंगे उनके जिलों की, और उसके बाद सुराज अभियान को लेकर मंत्रियों से आज संवाद होगा और आज मंत्रियों को सुराज अभियान को लेकर जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।